हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चैनल जिसका नाम है शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट वीडियो है डैट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। देखो, इस चैनल पे आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड लॉ की क्लासेस ही मिलेगी और इसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम मिक्स लैंग्वेज के अंदर भी डालें, इंग्लिश लैंग्वेज में भी डालें, और ये भी कोशिश रहेगी कि आप यहाँ हम आपको यहाँ पे हिंदी में ही समझाएं और हिंदी के अंदर ही नोट्स दें। लॉ के अंदर क्या है, इंग्लिश प्लस मिक्स के अंदर। इस चैनल के अंदर जो है आपको क्लासेस मिलेंगी सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड लॉ के क्लासेस ही मिलेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है इसका अर्थ क्या होता है। देखो, जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है इसको हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और मैनेजरल इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है कि जिसके अंदर जो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक थ्योरी और मेथडोलॉजी सीखी है उसको जो बिज़नेस के अंदर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ पर हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो, बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि हमने डिसीज़न लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सोर्सेज होते हैं लेकिन उसकी ऑल्टरनेटिव ज़्यादा होते हैं। अब जैसे हमने कौन से बिज़नेस के अंदर पैसे लगाने हैं, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड हैं, हम एक ही जगह लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारी जो बिज़नेस प्रॉब्लम है उसको हम साइंटिफिक वे से जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन जो है मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमने सीखा हुआ है उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, जब हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि इकोनॉमिक थ्योरी को हम बिज़नेस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो कि हमें थ्योरी जो हमने सीखी हुई है एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी उसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, जो इकोनॉमिक्स है एक साइंस है जिसके अंदर क्या है कि हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं लेकिन हमारे पास क्या है, कंपीटिंग एंड्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने किस ऑप्शन के अंदर लगाना है। तो इकोनॉमिक्स जो है हमें टूल्स और कंसेप्ट्स प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस है, कॉम्पिटिशन है, इनको स्टडी करके जो है हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है ये मैनेजरल प्लस इकोनॉमिक्स से बनी है, और मैनेजमेंट का अर्थ जो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। और प्लानिंग जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि इसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के साथ करते हैं और इसके अंदर हम डिसीज़न भी लेते हैं। तो जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है डैट इज़ कंसर्न विद द डिसीज़न मेकिंग एंड फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं ये हमें बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो है सिखाता है। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक थ्योरी का वो हिस्सा है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक टूल्स और कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं ताकि हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब देखो, जैसे हमने ये डिसीज़न लेना है कि प्राइस जो है इंक्रीज़ करें तो उसका डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमें पता है कि अगर अदर चीज़ें कांस्टेंट हैं तो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो उस तरह से क्या है कि हम प्राइसिंग का डिसीज़न ले सकते हैं। हमें इकोनॉमिक्स ये भी बताता है कि डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमारी प्राइसिंग पॉलिसी ये हो सकती है, ओलिगोपॉली है तो ये हो सकती है, मोनोपॉली है तो ये हो सकती है। तो जो हमने सीखा हुआ है हम बिज़नेस सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं और उनके अंदर जो है अपने जो सीखा हुआ है उनको कैसे यूज़ करना है। मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है डैट इज़ कंसर्न विद द वेज इन विच मैनेजर शुड मेक डिसीजन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे मैनेज। देखो, जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से डिसीजन ले सके ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है उसका जो पर्पज़ है कि किस तरह से हम इकोनॉमिक एनालिसिस जो है यूज़ करके मैनेजरल पॉलिसी जो है फ्रेम आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं ताकि हम अपने डिसीज़न को जो है ऑप्टिमाइज़
कर सकें। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, इसके अंदर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर सीखा हुआ है उसके बेसिस पे हम इसकी बेसिस पे डाटा इकट्ठा करके हम देखते हैं कि हमारे जो बिज़नेस है उसके अंदर प्रॉब्लम किस चीज़ की है। फिर देखते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो है, जो कि छोटे लेवल पे है, जिसके क्योंकि नेचुरली जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है ये माइक्रो इन नेचर ज़्यादा है, लेकिन हम मैक्रो को भी इग्नोर नहीं करते। मैक्रो के अंदर क्या होता है कि ये हमें पूरी इकोनॉमी की पिक्चर जो है क्रिएट करता है, कि किस तरह से डेमोग्राफिक है, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, किस तरह से पोलिटिकल इन्वायरमेंट है। तो ये पूरी इकोनॉमी का जो इन्वायरमेंट जिसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है उसके बारे में बताता है। और उसी तरह जो हम इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर जो है प्रॉब्लम जो है उसको देखते हैं कि कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल उसको अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट साइंस होती है या इकोनॉमेट्रिक होती है, उन वेरिएबल का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है निकालते हैं। जैसे हमें पता है कि जो आउटपुट है वो हमारा प्रोडक्ट की उस प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, वाई जो है डेट इज़ द इनकम है, प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज टूगेदर एज जो है सब्सटीट्यूट गुड्स है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मल्टीपल रिग्रेशन जो है स्टडी करके हम देख सकते हैं इन वेरिएबल्स के अंदर ये चेंजेस आती है तो आउटपुट के ऊपर ये चेंजेस जो है हो सकती हैं। अब देखो, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है डैट इज़ कंसर्न विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक नेचर, जिसके अंदर क्या है कि लिमिटेड सोर्सेज हैं, हमने डिसीजन लेना है क्योंकि उनके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, किस तरह के गोल हमने अचीव करने हैं, कौन सी मेथडोलॉजी, कौन से टूल्स लगा के, किस तरह का पाथ अडॉप्ट करके हम उन गोल्स तक पहुंच जाते हैं। और ये जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हम थ्योरी को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये कंसेप्चुअल भी है, लॉजिक भी प्रोवाइड करता है कि कौन सा थ्योरी यहाँ पे सुटेबल है और किस तरह से हम उनका रिलेशनशिप मेयर करके जो है उसकी प्रेडिक्शन जो है कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी जो है उसके अंदर दो थ्योरीज होती है, मैक्रो होती है, माइक्रो होती है। मैक्रो जो है इकोनॉमी के बारे में पूरी हमें टोटैलिटी के अंदर बताती है कि पूरे नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, लोगों का डेमोग्राफिक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये हमें पूरी इकोनॉमी की पिक्चर देता है जिसके अंदर हमारे बिजनेस ने सर्वाइव करना है। मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि फ्री इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, बिजनेस साइकल्स होते हैं, कभी अप है तो कभी डाउन है, और किस तरह से गवर्नमेंट जो है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि देखो, ये इंडिविजुअल फर्म की प्रॉब्लम को डील करती है, ये बताती है कि फर्म के अंदर इस तरह से चल रहा है, किस तरह से हमने लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करना है। और ये पॉजिटिव जो है, हमें अगर ये पॉलिसी है वो पॉलिसी क्या है उसके बारे में बताएगी, जो फिनोमिना है उसको बारे में ही बताएगी। नॉर्मेटिव के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि इसको इस तरह से होना चाहिए कि ये डिसीज़न है तो इसका इम्पैक्ट ये है, ये डिसीज़न है तो ये, तो हमें इस तरह से सही डिसीज़न जो है लेना चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स थ्योरी जो है उसको सीखते हुए बिज़नेस के अंदर जो है अप्लाई करते हैं। देखो, बिज़नेस के अंदर हम एक्चुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे हम डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर है तो हम देखते हैं कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, कौन से वेरिएबल जो है उसको इम्पैक्ट करते हैं, और किस तरह से उनका रिलेशनशिप जो है हम स्टडी करके जो है डिसीजन ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो बिजनेस है वो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो है ऑपरेट करता है, तो इन्वायरमेंटल जो फोर्सेस होती हैं उसका भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो वहाँ पर हमें माइक्रो के टूल्स, माइक्रो का कंसेप्ट भी चाहिए, मैक्रो के प्रिंसिपल्स लगा के भी हम अपनी प्रॉब्लम को जो है